हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस गंगापुर सिटी एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ टुडे वी डिस्कस द टॉपिक सेल थ्योरी। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस सेल इंट्रोडक्शन। 11th क्लास का लेसन नंबर 8 द सेल है और उसमें हमने इससे पहले की वीडियो में सेल इंट्रोडक्शन का डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। द थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। तो सेल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा फॉरवर्ड की गई? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये ध्यान रखें कि स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट अपन बात करें कि कहा था उन्होंने, द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक सजीव आर फॉर्म्ड ऑफ सेल। वो किस रूप में है? वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ। एंड देयर प्रोडक्ट एंड दैट द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये सेल थ्योरी में कहा गया। तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया और क्या कहा? पहली बात ये याद रखें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल एंड सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करें यहां पर तीन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है सेल थ्योरी में। उसमें सबसे पहले है अपने मैथियास स्लाइडेन। मैथियास स्लाइडेन जिनका जीवन 1804 से 1881 के बीच रहा, यानी 1804 से 1881, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे और 1838 में 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी का प्लांट्स के लिए अपने कुछ तथ्य दिए। वो क्या क्या दिए? उन्होंने कहा ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यूज आर मेड ऑफ वन और अनोदर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो मैथियास जो स्लाइडेन है वो जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में सेल थ्योरी प्लांट्स के लिए प्रतिपादित की और कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ सेल। नेक्स्ट अपन बात करें, सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू। एंड सेकंड उन्होंने कहा कि सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू। ऑल प्लांट टिश्यू यानी सारे प्लांटों के टिश्यू की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? भी सेल है। और कहा उन्होंने ईच सेल हैज ए ब्रॉडली सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग जेली लाइक मेटीरियल। तो उन्होंने कहा कि जो ईच सेल है,
प्रत्येक कोशिका जो हैज ए बोल्डली, एक बोल्डली स्ट्रक्चर में है, सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सारी कोशिकाएं सिमिलर स्ट्रक्चर रखती है ऑफ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल होगी, न्यूक्लियस होगा एंड सराउंडिंग ए जेल, और उसमें एक जेल लाइक मेटीरियल प्रेजेंट होगा। तो ये कहा था मैथियास स्लाइडेन ने, जो एक जर्मन क्या थे, बॉटनिस्ट थे। सेकंड वैज्ञानिक जो सेल थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान रहा वो है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, इनका जो जीवन रहा वो 1810 से 1882 रहा। ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये भी एक जर्मन वैज्ञानिक थे, और जूलॉजिस्ट यानी प्राणी वैज्ञानिक है, तो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी के लिए अपने कुछ तथ्य रखे। वो क्या क्या रखे, तो उन्होंने कहा ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन एब्सेंट सेल वॉल, यानी ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल बट डिफरेंट प्लांट सेल लेकिन या एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, किंतु जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो एनिमल जो ऑल एनिमल्स है या ऑल एनिमल टिश्यू है वो भी किससे बने हुए, सेल से बने हुए, किंतु प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है किंतु एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है या प्रेजेंट नहीं होती है। आगे अपन बात करें, डेफिनेट सेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस कंटेनिंग स्ट्रक्चर। तो जो एनिमल सेल है उसमें सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस और जेली लाइक मेटीरियल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल की क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है एनिमल सेल, उसकी जगह सेल मेम्ब्रेन होती है। तो थियोडोर ने और मैथियास स्लाइडेन ने प्लांट सेल के लिए या प्लांट्स के लिए सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया, और थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल के लिए सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। जो सेल थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं वो स्लाइडेन एंड स्वान माने जाते हैं, और उन्होंने 1839 में ये सेल थ्योरी दी। नेक्स्ट अपन बात करें, इन 1839 ही पब्लिश्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर फिर पब्लिश किया माइक्रोस्कोपिकल रिसर्च ऑन द सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जो सेल है वो एनिमल और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये उन्होंने दोनों ने मिलकर कहा और ये सेल थ्योरी के रूप में जाना गया। अब इस सेल थ्योरी में एंड ही प्रपोज्ड सेल हाइपोथेसिस बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल, और उन्होंने फिर ये प्रपोज रखा, तो ही प्रपोज्ड सेल हाइपोथेसिस बॉटनी बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल। तब उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रपोज रखा और कहा सेल हाइपोथेसिस के रूप में कि चाहे एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो बॉडी है वो किससे मेड अप है या किससे फॉर्मेटेड है, सेल से निर्मित होती है, और जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ये उन्होंने कहा। अब यहां तक जो सेल थ्योरी दी गई उसमें एक सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रह गई कि जो न्यू सेल है वो किस तरीके से बनती है, तो न्यू सेल के फॉर्मेशन को वो नहीं बता पाए। तब एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, बहुत पॉपुलर वैज्ञानिक रहे हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में अपनी थ्योरी दी जिसे हम ओमनियस सेलुला ए सेलुला के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से न्यू सेल की ओरिजिन होती है या नई सेल कैसे बनती है, इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे किस नाम से जानते हैं ओमनियस सेलुला ई सेलुला। और बहुत बार बोर्ड की एग्जाम्स में नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ओमनियस सेलुला ई सेलुला थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। तो देखिए ये थ्योरी क्या है, जो न्यू सेल है उसका फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है बाय सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, नई सेल कोशिका विभाजन से बनेगी। ये कहा था किसने, रुडोल्फ विर्चो। तो देखिए कंक्लूजन प्रोवाइड दैट न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन से ही जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनके सेल डिवीजन से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है या न्यू सेल डेवलप होती है। तो ये समाधान हो गया। अब हम बात करें इन तीनों वैज्ञानिकों के पश्चात सेल थ्योरी में क्या क्या तथ्य इंक्लूड किए गए, तो अपन यहां बात करते हैं। तो ये जो मैथियास स्लाइडेन और स्वान और रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिए गए या किए गए रिसर्च को समराइज करके सेल थ्योरी बनाई गई और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, तो फर्स्ट बात करें अपन बॉडी ऑफ ऑल बींग्स इज मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो बॉडी है वो किससे मेड अप है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो सेल और सेल के उत्पादों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड अपन बात करें सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो न्यू सेल है वो किससे डेवलप होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने, जिसे हम किस नाम से जानते हैं ओमनियस सेलुला ई सेलुला, सेल से ही न्यू सेल बनती है, ये थ्योरी दी थी उन्होंने। आगे बात करें अपन ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर बीइंग मेड ऑफ ए पीसेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट हैविंग ए न्यूक्लियस एंड कवर्ड, जो सभी कोशिकाएं जो है ऑल सेल्स है वो बेसिकली सिमिलर होती है और उसमें मेनली एक कवर्ड होता है, और कवर्ड के रूप में प्लांट सेल में सेल वॉल हो सकती है, एनिमल सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, सॉरी एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल का अभाव रहेगा, केवल सेल मेम्ब्रेन होगी, और जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होगी। तो एक कवर्ड होगा, उसके अंदर एक जेली लाइक मेटीरियल होगा जिसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, और एक न्यूक्लियस होगा। तो इस थ्योरी के अनुसार सेल, जो सभी सेल्स है वो सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, जिसमें एक कवर्ड होता है, एक जेली लाइक मेटीरियल प्रोटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस, यानी तीन मेन कंटेंट बताया।
कवर्ड जो सेल वॉल के रूप में या सेल मेम्ब्रेन के रूप में हो सकता है या दोनों हो सकती है। दूसरा प्रोटोप्लाज्म जो एक जेली लाइक मेटीरियल है, और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीन कंटेंट होते हैं सेल में मेनली, और इन तीन ही सभी सेल में ये तीनों कंटेंट प्रेजेंट होंगे। क्लियर? बाय द थिन मेम्ब्रेन विथ और विदाउट सेल वॉल। एक थिन मेम्ब्रेन हो सकती है जो उपस्थित भी हो सकती है सेल वॉल, और विदाउट सेल वॉल भी हो सकती है। तो कवर इन आवरण हो गया। तो ये तीसरी स्टेप। अगली नेक्स्ट चैप्टर बात करें, ऑल सेल्स प्रोसेस सिमिलर बींग्स केमिकली कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो सभी सेल है वो सिमिलर क्या रखती है, केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सभी कोशिकाएं सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रखती है। आगे देखिए, सेल्स आर नॉट ओनली यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बट आल्सो यूनिट ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल केवल स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बल्कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट इज सेल। मतलब सेल्स फ्रीडम नहीं होती है, बल्कि सभी सेल्स जो आपस में हैं वो इंटरेक्शन करती है, आपस में जुड़ी रहती है, और एक दूसरे से जुड़कर अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट करती है। ये कहा था किस किस ने, स्लाइडेन स्वान और रुडोल्फ विर्चू, और इन तीनों के ही किए गए रिसर्च को हम सेल थ्योरी के रूप में जानते हैं। तो सेल थ्योरी का अपना जो टॉपिक है, इसमें अपने को क्या क्या याद रखना है। पहली बात रखनी है कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में किया। सेल थ्योरी में जो मैथियास स्लाइडेन और स्वान द्वारा दी गई जो सेल थ्योरी है, उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो वो रही थी कि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो रुडोल्फ विर्चू ने न्यू सेल की फॉर्मेशन के लिए क्या कहा, कि न्यू सेल फॉर्मेटेड प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहां अपन ने सेल थ्योरी बात की। सेल थ्योरी जो प्लांट्स के लिए दी थी वो किसने दी थी, मैथियास स्लाइडेन ने दी थी, और जो एनिमल के लिए जो सेल थ्योरी दी वो थियोडोर स्वान ने दी थी। और सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।